जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको mycar.pk की तरफ से ट्यूटा एक्वा का टेस्ट ड्राइव रिव्यू देंगे। जी उमर भाई, जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको श्रीयार भाई ने बताया है, आज हम टोयोटा एक्वा का रिव्यू देने जा रहे हैं। और इसको शुरू में जब पाकिस्तान में ये लॉन्च हुई थी गाड़ी, यानी कि इम्पोर्ट शुरू हुई थी, यानी कि लॉन्च तो नहीं, इम्पोर्ट जब शुरू हुई थी इसकी, तो इसकी जो है प्रियस एक्वा के नाम से भी इसको लोग कहते थे। बहर बेसिकली ये एक्वा है, टोयोटा एक्वा है, और अमेरिका के अंदर प्रियस फैमिली का ही ये पार्ट है। वहाँ पे प्रियस सी के नाम से जानी जाती है, प्रियस जो नॉर्मल है आती है हमारी ZEW30, उसको प्रियस ही कहा जाता है, और प्रियस अल्फा को प्रियस वी के नाम से वहाँ पर जाना जाता है। प्रियस सी इसको वहाँ पे इसलिए कहते हैं सिटी के लिए, सी इज़ फॉर सिटी, प्रियस सिटी यूज़ के लिए, और जो प्रियस वी है उसको वर्सेटैलिटी, क्योंकि मल्टी फंक्शन मल्टीपर्पज़ कार है, ठीक है जी। और इसमें जो वेरिएंट्स आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में गाइड करता हूँ। जो जापान से इसके वेरिएंट्स आते हैं, उसमें एल सबसे बेसिक है, उसके ऊपर एस है, फिर उसके बाद इसमें आता है जी। तो उसके अंदर बेसिकली मेजर जो डिफरेंसेस आते हैं, एल के अंदर जो रियर विंडोज़ हैं वो मैनुअल होते हैं, ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं होती, विंडोज़ टिंटेड नहीं होते। एस के अंदर फिर ये चीज़ें आ जाती हैं, और पुश स्टार्ट की जो है वो ऑप्शनल ऑप्शन जो है वो एडिशनल है, और जी के अंदर जो है वो क्रूज़ की ऑप्शन एडिशनल है, लेदर स्टीयरिंग उसमें आ जाता है, और उसके इंटीरियर ब्राउन होता है, और उसके अंदर मजीद आपको लेदर सीट्स वगैरह और एलईडी लाइट्स, एस के अंदर भी ऑप्शन आती है एलईडी लाइट्स, और आपके जो हैं लेदर सीट्स की और अलॉयज़ की ऑप्शन, ये सब में आती है, सिवाय यानी कि लेदर की, वो जो है एस के अंदर नहीं आती। तो बेसिकली इस तरह है कि अब इसका हम गाइड करते हैं आपको, रिव्यू के बारे में स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम इसके इंजन को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। इसका इंजन जो है इसमें सेम 1.5 लीटर इंजन है जो प्रियस जेन 2 के अंदर था, जो सेकेंड जनरेशन थी प्रियस की। बेसिकली जो 2004 से लेके जो है 2009 तक जो है बेसिकली ज़्यादा जो है ना वो मार्केट के अंदर इन रही थी, और पाकिस्तान के अंदर जो उसके मॉडल ज़्यादातर आए थे वो 6, 7 और 8 मॉडल्स हैं, और मोस्टली 7 मॉडल्स हैं, जो 2011 से लेके यानी कि 10 से लेके 10-11 से लेके 13 के दरमियान जो है ना वो इम्पोर्ट हुए थे पाकिस्तान के अंदर। ये उसके अंदर ये वही 1NZ इंजन जो है ना वो चल रहा है, और टोयोटा जो है वो हर गाड़ी का इंजन जो है वो उसकी बॉडी के हिसाब से उसको फाइन ट्यून करता है। जिस तरह के प्रियस वाला इंजन प्रियस एल्फा के अंदर है, और लेकिन वो इतना अंडर पावर्ड महसूस नहीं होती, हालांकि उसका बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसकी इन्होंने ट्यूनिंग इस किस्म की है, उसका टॉर्क थोड़ा सा शुरू में ज़्यादा रखा है, और उसके अंदर पावर थोड़ी इन्होंने एक्स्ट्रा डाली है। तो इसी तरह एक्वा के अंदर जब उन्होंने इंजन डाला है, तो वो ज़ाहिर है ट्यूनिंग गाड़ी के हिसाब से होती है, तो बॉडी छोटी है, इंजन वही है, और ऑब्वियसली उसका मतलब ये है कि गाड़ी की पावर टू वेट रेशो जो है वो अच्छा है, गाड़ी यानी कि इसकी पिक जो है अच्छी होगी। और इसके अलावा इसकी जो एवरेज वगैरह है वो इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि बॉडी हल्की है तो काफ़ी अच्छा कर देती है, तमाम हाइब्रिड्स के अंदर सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट, बेसिकली कन्वेंशनल हाइब्रिड कार के अंदर सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट ये है, और कम यानी कि कम ही होता है कि कोई गाड़ी इससे ज़्यादा करे। जिस तरह के PHEV है, प्रियस PHEV है, प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है, वो कभी इससे थोड़ा सा ज़्यादा शायद रेयर चांसेस है कि कभी कभार कर जाती है, लेकिन कन्वेंशनल हाइब्रिड जो नॉन प्लग इन है उसके अंदर इसकी सबसे ज़्यादा अभी तक जो मास प्रोडक्शन में कार है इसकी फ्यूल इकोनॉमी सबसे ज़्यादा है। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रियस, ये है प्रियस एस, और ये पुश स्टार्ट वेरिएंट है, ठीक है। इसमें जिसको बताया था कि मैंने पुश स्टार्ट की ऑप्शन एस और जी के अंदर आती है, एलईडी लाइट्स की ऑप्शन आप ले सकते हैं, रिम्स ले सकते हैं, बॉडी किट्स ले सकते हैं, लेदर ले सकते हैं, लेकिन लेदर सिर्फ जी के अंदर, ठीक है। इसमें मल्टीमीडिया स्टीयरिंग भी ऑप्शनल होता है, ये एल के अंदर भी आ सकता है, और जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एलसीडी नहीं है, कई दफ़ा एल के अंदर एलसीडी होती है और जी के अंदर एलसीडी प्लेयर्स आते हैं, तो ये मेकर ऑप्शंस हैं। इनके अंदर हर एक्वा तकरीबन एक यूनिक कार होती है, जब आप गाड़ी लेते हैं जापान में तो उस टाइम जिस ऑप्शन पे टिक करते हैं आपको वो गाड़ी मिल जाती है। अब इसके इंजन जो है इसमें जो यूज़ करने से पहले आपको, क्योंकि शायद महसूस ना हो वीडियो के अंदर आवाज़ इतनी, इसकी ना एक रैटलिंग साउंड आती है, बेसिकली वो इंजन का मसला नहीं है, ग्राइंडिंग साउंड आती है, वो ये है कि जब आप फुल थ्रॉटल देते हैं तो इसकी साउंड प्रूफिंग इंजन की इतनी ज़बरदस्त नहीं है, तो जैसे ही आप, अब आप शायद आपको आवाज़ आ रही हो, जैसे ही आप आइस पे जाते हैं, इसका जो इंटरनल कम्बस्टन इंजन है इसको यानी कि निकने में आइस कहा जाता है, तो आइस पे जब आप जाते हैं इंजन पे, जैसे ही आप जाते हैं तो आपको आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है, और ये दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल विद दिस कार। एक्वा के अंदर इट्स नथिंग
न्यू। तो अभी इंजन जो है इसका काफ़ी एडिक्वेट है, और अगर आप इसको थ्रॉटल देते हैं तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी है। कुछ लोगों की गाड़ियां इतना रिस्पॉन्स नहीं देती हैं इसकी पिक, यानी कि गाड़ी की कम इनको महसूस होती है। एक्वा ओवरऑल इज़ अ कार जिसकी पिक काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इनिशियली जो इसकी ट्रैक्शन बैटरीज हैं वो आपको इमीडिएट टॉर्क देती हैं विदाउट एनी लैग, और बाद में इसका इंजन जब किक इन करता है तो वो ठीक ठाक किस्म की आपको पावर देता है। अगर आपकी गाड़ी एक्वा है और आपकी एक्वा के अंदर पिक अच्छी नहीं है तो उसकी आप ट्यूनिंग वगैरह करवाएं, और बाकी जो चीज़ें हैं उसके फिल्टर्स चेक करवाएं, कोई इसमें इशू ज़रूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास एक्वा हो अच्छी कंडीशन में हो और इसकी पिक जो है वो कम हो। अभी आपको हम मज़ीद इसके बारे में गाइड करते हैं। इंजन जो इसका होता है बेसिकली, इसके अंदर सर्दियों का भी मौसम है। सर्दियों के मौसम में जब कोल्ड स्टार्ट करते हैं ना तो कई दफ़ा काफ़ी शेक करता है इंजन, ज़ोर ज़ोर से हिलता है, आपको आवाज़ भी आती है, तो वो भी इसके लिए नॉर्मल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी मेंटेनेंस एक नॉर्मल इंजन की तरह होती है, कोई इसके अंदर ख़ास मैकेनिक की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ नॉर्मल मेंटेनेंस करनी है इंजन की, फ़िल्टर्स चेंज करवाने हैं, कोई आपको स्पेशल बंदे की ज़रूरत नहीं है, फ़िल्टर्स चेंज करवाने हैं आपने, इसका ऑयल चेंज करवाना है। इंजन ऑयल इसका रिकमेंडेड जो होता है जापान के अंदर वो 0W20 है या 5W30 है। बहरहाल आप पाकिस्तान के जिस सिटी में आप रह रहे हैं उसके क्लाइमेट के हिसाब से आप, और गाड़ी की माइलेज के हिसाब से इंजन ऑयल आप चेंज कर सकते हैं, विस्कोसिटी थोड़ी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और अब फाइनली इसका मैं आपको 0 to 60 जो है वो हम करते हैं, तो वो मैं आपको जो है अभी करके दिखा दूंगा। भाई सारी ट्रैक्शन चल पड़ी और वे 60, तो काफ़ी जल्दी गाड़ी 60 पे चली गई। फुल थ्रॉटल दिया, बारिश हुई भी है, थोड़ा सा नीचे कीचड़ भी होगा, तो ट्रैक्शन कंट्रोल किक्ड इन और द कार हैंडल रियली वेल। तो ये आपने ट्रैक्शन का भी इसका देख लिया कि ट्रैक्शन कैसे गाड़ी को कंट्रोल करती है, बहुत अच्छे तरीके से इसने गाड़ी को कंट्रोल किया। मुझे स्टेयरिंग को बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल नहीं संभालना पड़ा, सिर्फ उसको मैंने होल्ड किया है और द कार वॉज इन टोटल कंट्रोल। विल मूव ऑन टू द सस्पेंशन नाउ। ठीक है, अब हम आ गए सस्पेंशन की तरफ। एज यूजल थोड़ा सा बम्पी रोड जिसको हम यूज़ करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि अब हम जा रहे हैं बम्प्स में, तो स्टेयरिंग बिल्कुल सीधा जा रहा है, और यानी कि सस्पेंशन काफ़ी सॉलिड है इसकी, नो डाउट दैट इज सॉलिड। और आप देख सकते हैं गाड़ी की मूवमेंट्स के हिसाब से खड्डे काफ़ी बड़े हैं, ब्रेकर था, हम साइड से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी दोबारा से आएंगे पॉट होल्स, ठीक है, काफ़ी बड़ा आने वाला है आगे। अब वाइब्रेशन देखें गाड़ी में, इसके मूवमेंट्स देखें। तो सस्पेंशन इसकी काफ़ी सॉलिड है, लेकिन यानी कि हर बंदा इस पर यानी कि मुतमिन नहीं होता, सॉलिड काफ़ी है। कंफर्ट जो है इसकी थोड़ी सी बाज़ जगहों पे आपको हार्ड महसूस होती है, क्योंकि इसकी लो डाउन सिटिंग पोजीशन है, उसकी वजह से सस्पेंशन का और जो इसकी सीटिंग पोस्चर का जो यानी कि बेसिकली कॉम्बिनेशन बनता है वो बाज़ लोगों के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं है। तो सस्पेंशन अच्छी है, लेकिन इसका सीटिंग पोस्चर मिला के और कुछ लो स्पीड्स पे जब बड़े जंप्स आते हैं, खड्डे आते हैं, तो नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल कार, ठीक है। आपको उनकी सीटिंग पोस्चर काफ़ी लो है और आप ग्राउंड के काफ़ी करीब हैं और सीट भी नीची है, फ्लोर के काफ़ी साथ लगी हुई है, तो वो आपको महसूस होता है कि आपके जितने भी बम्प्स हैं ना आपको सॉफ्ट हैं बिल्कुल, लेकिन आपके सीधा आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रहे हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको महसूस हो रहे हैं कि यार ये गाड़ी मुझे लग रही है। और यानी कि कोई ऐसे लोग जो एजिड हों या उनकी बैक प्रॉब्लम्स हों तो ये कार बिल्कुल उनके लिए नहीं है, अदरवाइज यंग फैमिलीज परफेक्ट कार फॉर देम। लेकिन मेरे एक क्लाइंट थे, उनको बैक प्रॉब्लम थी, दे हैड दिस कार, तो दे सोल्ड दिस कार फॉर अ प्रियस बेसिकली। तो दिस इज़ अबाउट इट फॉर द सस्पेंशन, ठीक है। इसके अब गियर बॉक्स जो है सब गाड़ियों के अंदर, हाइब्रिड्स के अंदर तो होता ही, बेसिकली सीवीटी गियर बॉक्स है या ई सीवीटी गियर बॉक्स है। इसका बेसिकली ई सीवीटी गियर बॉक्स होता है, नॉर्मल सीवीटी नहीं है, कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, बेसिकली इट्स एन इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड वेरिएबल ट्रांसमिशन, और इसके अंदर सीवीटी गियर ऑयल नहीं डलता,
इसके अंदर, आई रिपीट दैट, इसमें सीवीटी गियर ऑयल नहीं डलता। अक्सर लोग इसमें डलवाते हैं, पूछते हैं, कहते हैं इसका सीवीटी गियर बॉक्स है। नहीं, इसमें सीवीटी गियर बॉक्स नहीं डलता। आपने अपनी गाड़ी में डाला होगा और वो चल रही होगी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन इसमें वो गियर ऑयल नहीं डलता। इसमें ATF WS टोयोटा का गियर ऑयल डलता है और सिर्फ वही इसके लिए जो है ना रिकमेंडेड गियर ऑयल है। और इफ यू पुटिंग इन एनीथिंग एल्स तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो बेनिफिशियल नहीं, वो हार्मफुल होगा आपके गियर ऑयल के लिए, गियर के लिए, और दैट्स नॉट द गियर फॉर इट। इसमें मैं काफी फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग ये डलवाते हैं और जो जाते हैं टोयोटा में वो उनके पास होता है बस, टोयोटा उन्होंने डाल दिया, या फिल्टर हाउस पे जाते हैं, किसी और कंपनी के पास चले जाते हैं जो मशहूर हैं, तो वो कहते हैं जी उन्होंने डाल दिया बस, वो हमने डलवा लिया जी। ऐसे ऐसे नहीं है, जो आपको बताया जा रहा है आप काइंडली वही देखें। अगर आपको तसल्ली नहीं होती, आप इसके जो है मैनुअल में चेक कर लें, ATF WS। अच्छा, अब गियर बॉक्स का CVT है। लास्ट टाइम हमारे कमेंट्स के अंदर आया था कि जी आप क्यों बार बार बताते हैं कि ये CVT हैं, सारी CVT होती हैं। अब वो सेगमेंट है, हमने पूरा करना है ऑब्वियसली, लेकिन इसकी जो गियर बॉक्स का और जो इसकी सिंक है, वैसे भी आप देखें इंजन का, गियर बॉक्स का और जो ट्रैक्शन बैटरी का सिंक है ना, इसका किसी प्रियस या किसी और गाड़ी के अंदर इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन महसूस नहीं होता। इतनी ज़बरदस्त इसकी पिक है, गियर बॉक्स एक्सीलेंट है, और इसकी जो बेसिकली फ्लो है गाड़ी की, इतनी स्मूथ और इतनी फास्ट, इतना अच्छा गेयरबॉक्स आपको कॉम्बिनेशन जो है ना, जो मैश है एक ट्रांसमिशन का विद इंजन और हाइब्रिड सिस्टम जो है ना, वो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन किसी और गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलेगा डेफिनेटली। और ड्राइव एक्सपीरियंस इसका जो ट्रांसमिशन का है, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है इस प्राइस के अंदर। यानी कि बेसिकली आपको इसी गाड़ी के अंदर ही इतना अच्छा गेयरबॉक्स मिल सकता है इन कंपेरिजन टू द टोयोटा फिट GP5 जो इसकी क्लोज कंपेटिटर है बेसिकली। तो उसका जो गियर बॉक्स है वो गाड़ी झटके मारती है, जहर है वो गियर बॉक्स डिफरेंट है उसका, ट्रांसमिशन उसकी फ़र्क है, झटके मारती, स्मूथनेस बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आप रेस उठाते हैं, एक्स्ट्रा रेस देते हैं, गाड़ी आगे पीछे एक दफ़ा झट करती है। तो अगर आप कंफर्ट के पीछे हैं या अगर आपको बहुत ज़्यादा गाड़ी भगानी नहीं है, आप चाहते हैं कि गाड़ी जो है वो कम्फर्टेबल हो, सॉफ्ट हो, स्मूद हो, क्वाइट हो, साउंडलेस हो, तो GP5 आपके लिए नहीं है। This is the car for you. ठीक है, अब इसकी हैंडलिंग तरफ हम आते हैं। बेसिकली इसकी जो स्टेयरिंग की पोजिशन है और इसकी जो सीट की पोजिशन है, वो आई डोंट थिंक किसी भी बंदे के लिए आइडियल है, क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन हैं इसके एडजस्टमेंट के ऊपर नीचे करने के लिए, यू विल ऑलवेज बी लुकिंग फॉर मोर। ठीक है, स्पेशली अगर आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप चाहेंगे कि जो ना ये थोड़ा सा आमतौर पे ऊपर हो। देखा, मैंने दोनों टांगें अपनी साइड पे रखी हुई हैं। अगर मैं अपनी टांग सीधी करता हूँ, गाड़ी रोक के मैं आपको ये डेमोंस्ट्रेट करता हूँ, मैं आपको ये देखें अब मेरी दोनों टांगें, दिस इज अब फुल है। ठीक है, स्टिल अगर गलती से मैं अपना घुटना इधर कर लूँ और मैं मोड़ रहा हूँ, तो ये स्टेयरिंग मेरे घुटने को टच करेगा और इट विल स्टॉप मी फ्रॉम टर्निंग। ये मैक्सिमम हाइट है इसकी, आई एम नॉट वेरी टॉल, आई एम जस्ट अराउंड 6। ठीक है, तो अक्सर लोगों की मेरे से हाइट ज़्यादा भी होगी और इतनी भी होगी, इसके आसपास होगी, लेकिन ये मसला बहुत बड़ा मसला है। तो ये एक आपको इशू रहेगा इस गाड़ी के अंदर अगर आप टॉल हैं, या इसके अलावा भी इसकी जो सीटिंग पॉस्चर है, इसकी जो एर्गोनॉमिक्स हैं, देर नॉट द बेस्ट एर्गोनॉमिक्स के अंदर। बेसिकली I would rate this car below 60%. This is one of the huge drawbacks of this car. Mainly, this is the only drawback when it comes to Aqua. इसकी जो overall गाड़ी का space है, इसका size है, उसी के अंदर ये चीज़ भी आ जाती है। इसका जो headroom है कम है, width से कम है, पासों से कम है, वैगन आर हमने चेक की है मिराज के करीब है। ठीक है, उससे आप आगे जाते हैं तो लेग रूम आपका आगे फिर से कम है, और इसकी सीटिंग पॉस्चर भी लो है। पिछली सीट्स में आप तीन बंदे बड़े बिल्कुल नहीं बिठाना चाहेंगे, तीसरा बंदा डेफिनेटली अनकंफर्टेबल होगा। तो ये इसका जो है ना बेसिकली स्पेस के सेगमेंट में हमको मज़ीद गाइड करेंगे, लेकिन अब असल बात करें स्टेयरिंग की, तो ये स्टेयरिंग की कंफर्ट सबसे पहला इशू ये मुझे महसूस होता है। स्टेयरिंग इसका दूसरा काफ़ी भारी है, इट्स क्वाइट हैवी। चल रहे हो ना चल रहे हो, गाड़ी मूविंग हो, तेज़ हो, बहरहाल अब जिस तरह इसको आप मोड़ते हैं, मैंने हल्का सा टर्न लिया है ना, तो इट्स वेरी वेरी हार्ड, स्टेयरिंग इज़ वेरी वेरी हैवी, इट्स हार्ड क्वाइट। यानी कि इसके अंदर आपको ज़्यादा फीलिंग आता है इसका अंडर स्टीयर का ना, तो काफ़ी ज़्यादा अंडर स्टीयर है। अब ऑल द कार्स आई हैव ड्रिवन, मे बी एक्वा दिस कार इज़ द मोस्ट अंडर स्टीयर कार, यानी कि अंडर पावर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टीयरिंग। इसका काफ़ी ज़्यादा आपको काटना पड़ता है स्टीयरिंग को। ठीक है, आप थोड़ी स्पीड ज़्यादा करते हैं जब, तो डेफिनेटली
वो अंडर स्टीयर हर गाड़ी के अंदर कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इसका महसूस होता है अनलेस कि आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है तो फिर ये ठीक है। लेकिन आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है आप जाते हैं और ये लो स्पीड में मैं मोड़ रहा हूँ, आप देख रहे हैं काफ़ी स्टीयरिंग मोड़ रहा हूँ मैं, और गाड़ी टर्न उस हिसाब से नहीं कर रही। अभी हमारी 25 स्पीड है, कॉर्नरिंग लो स्पीड टर्न्स नॉट द बेस्ट कार। अभी 90 डिग्री का टर्न है, हम लेफ्ट टर्न कर रहे हैं। अब आप देखिए कितना ज़्यादा मुझे स्टीयरिंग को मोड़ना पड़ रहा है, और जब हाई स्पीड पे जाते हैं तो सडन टर्न लेना हो, काफ़ी ज़्यादा मैं टर्न कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा, स्टिल इट्स नॉट दैट रिस्पॉन्सिव, उतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है जितने का आप चाहेंगे इसको। बेसिकली इस गाड़ी का अब राउंड अप कर रहे हैं, तकरीबन सारे एस्पेक्ट्स हमने इसके बताए हैं। स्पेस का अक्सर लोग पूछते हैं और रीसेल का पूछते हैं, मैं इस सेगमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें मिसलेनियस आइटम्स जो है मिसलेनियस बातें हैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखें स्पेस, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, दैट समथिंग दैट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग व्हेन यू बाय एन एक्वा। इफ़ यू लुकिंग फॉर अ कार फॉर 5 पीपल, फैमिली ऑफ 5 और मे बी मोर, या आपके साथ एक छोटा बच्चा हो, दिस इज़ मोस्ट लाइकली नॉट द कार फॉर यू। अगर आप ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा, आपकी डेली की यूसेज बहुत ज़्यादा है, एंड यू आर फैमिली ऑफ मे बी यू नो यंग फैमिली ऑफ 3, 2 और 4, दैट्स फाइन। लेकिन इससे ऊपर यानी कि ये नहीं चलेगी गाड़ी, अगले 5 बंदों के लिए गाड़ी नहीं है। फिर स्टूडेंट गो टू कॉलेज, ठीक है ना, 20 किलोमीटर आना जाना, 40 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, देन इट्स फाइन, बहुत अच्छी एवरेज आपको देगी। फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो अभी हमने डिस्कस की थी पहले, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है, फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। और इसका जो स्पेस है, आपको जिस तरह दिखाया था स्टेयरिंग के नहीं के इसके हैंडलिंग के सेगमेंट में, कि आपके नीज़ को लगती है, इफ़ यू आर टॉल पर्सन तो आपके नीज़ को स्टेयरिंग लगती है, स्टेयरिंग व्हील लगता है, तो दैट्स अ ह्यूज फ्लॉ। यानी कि अगर आप अवेयर नहीं है इस चीज़ से और आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक आपको मोड़नी पड़ जाती है और आपके वो घुटने में या कहीं आपके टांग में फंस जाती है स्टेयरिंग, देन दैट कैन कॉज अ ह्यूज एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट। सो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दैट फैक्ट बिफोर यू ड्राइविंग द कार ऑन लॉन्ग जर्नीज, ठीक है। इसके अलावा इसका जो हेड रूम है वो कम है, इसकी जो विड्थ है दैट्स ऑलमोस्ट फाइन, ठीक है, लेकिन इसका जो सीटिंग पॉस्चर है वो लो है, पीछे सीट्स इसकी तंग है, ठीक है। और आप जब ज़्यादा इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो आपको थोड़ा सा यानी कि फील होता है कि आप शायद यानी कि आप चाहते हैं कि थोड़ा सा सीट ऊपर करें, ऊपर करेंगे तो आपके साथ स्टीयरिंग लगनी शुरू हो जाएगी। पीछे सीट्स पे आपके लिए सिर्फ 2 बंदों की गुंजाइश है, बड़े बंदों के लिए, इवन दो इट हैज़ 5 हेडरेस्ट, 3 पीछे हैं, 3 बेल्ट्स हैं, लेकिन वो 3 बड़ों के लिए नहीं है, इवन दो के दे आर डिज़ाइंड फॉर 5 एडल्ट्स, बट स्टिल इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसकी ट्रंक स्पेस जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और इसकी जो है सीटिंग कैपेसिटी और इसकी सीट्स की पोजिशनिंग है और सारा कुछ वो आपको इंशाल्लाह अभी हम वीडियो में दिखाएंगे। तो ये इसके इशूज़ जो थे ये आपको मैं थोड़े से बताए हैं। रीसेल के टर्म्स में एक्वा इज़ अ रियली गुड कार। इसकी रीसेल देखें, रीसेल इज़ वन थिंग एंड डिप्रिसिएशन इज़ अनदर। रीसेल का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी बिक जाएगी, और बिल्कुल बिक जाएगी, एक्वा बिक जाती, कोई मसला नहीं है, लेकिन पैसे घटाएगी वो, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ रीसेल, वो डिप्रिसिएशन है। पैसे बिल्कुल कोई भी इंपोर्टेड गाड़ी हो वो पैसे यानी कि तोड़ती ही है, लेकिन इसमें लोकल गाड़ियां भी तोड़ती हैं, लेकिन इसमें चीज़ देखने वाली ये है कि इतनी ह्यूज अमाउंट नहीं होगी। ऑब्वियसली जो है वो मैटर करता है हमारे पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि द कार इज़ एन इन्वेस्टमेंट मोर देन अ कार। तो ये रीसेल इसकी फाइन है, इट्स परफेक्ट, इट्स अ वेरी गुड कार। अगर आप चाहते हैं कि आप विथ से थोड़ी पावरफुल गाड़ी लेना चाहते हैं और आपको स्पेस का इशू नहीं है, देन दिस इज डेफिनेटली डेफिनेटली द कार फॉर यू। एज फार एज द ब्रेक्स आर कंसर्न, ब्रेक्स इसकी बहुत अच्छी हैं, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग हाइब्रिड सिस्टम की वजह से इसकी ब्रेक्स वैसे भी बहुत अच्छी हैं। फ्रंट इसकी डिस्क होती हैं, रियर इसकी ड्रम होती हैं। छोटा सा आपको मिसाल दिखाते हैं, विद इन जस्ट अ फ्यू फीट, यू नो 30 से हमने ब्रेक किया है, द कार गोज इन ट्रैक्शन कंट्रोल, रियली ग्रिप्स द रोड वेल। तो ये इसकी ब्रेकिंग है, दैट्स वेरी वेरी गुड। तो उस लिहाज से यू आर स्पेंडिंग ऑन द राइट कार। व्हेनेवर यू बाय अ हाइब्रिड, उसकी ब्रेक्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर 2 ब्रेकिंग मैकेनिज़म्स हैं, उसकी अपनी ABS ब्रेक्स हैं, उसके अलावा उसके अंदर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है हाइब्रिड की वजह से, और उसके अलावा भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, द फोर्स स्प्रेड
अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑन ईच टायर, ठीक है ना. ऑन हर दोनों चारों तरफ जो है बेसिकली दोनों तरफ फ्रंट पे यानी कि लग जा रही है पावर, दोनों तरफ बैक पे अलग पावर जा रही है, तो ब्रेक्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं. साथ ऑन टॉप ऑफ दैट टू हेल्प इट फर्दर इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी होता है. तो ब्रेकिंग में इस बजट के अंदर आउट क्लास, यानी परफेक्ट ब्रेकिंग पैकेज विद इन दिस बजट, ठीक है. फ्यूल एफिशिएंसी इज द मोस्ट क्रूशल फैक्टर, सबसे पिविटल सबसे इम्पोर्टेंट बात. व्हेन यू बाय अ हाइब्रिड यू आर ओनली बाइंग अ हाइब्रिड बिकॉज ऑफ इट्स फ्यूल एफिशिएंसी. बहुत ही रेयर चांस है कि आप किसी और वजह से एक हाइब्रिड गाड़ी खरीदते हैं. कुछ लोग इससे खरीदते हैं कि साउंडलेस है, कुछ लोग इससे खरीदते हैं कि इसमें फीचर्स ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग इससे खरीदते हैं कि कम्फर्ट है और सारा कुछ है. लेकिन अगर ये गाड़ियाँ एक्वा और प्रियस इसी शेप में इसी इंजन कैपेसिटी में नॉन हाइब्रिड्स हों, आई डोंट थिंक कि उनकी सेल यानी कि 10-15% भी होगी जो उनकी सेल अभी है. तो फ्यूल एफिशिएंसी इसकी जिसका कि आपको मैंने 2-3 दफ़ा पहले बताया है कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बेस्ट हाइब्रिड कार इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी इज़ दिस टोयोटा एक्वा. इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है ज़्यादातर जो मुझे लोग फ्यूल इकोनॉमी बताते हैं जो अपने क्लाइंट्स यूज़ कर रहे हैं, दे टेंड टू गेट समथिंग अबव 20 इन द नॉर्मल वेदर विद द एसी, ठीक है. और जब बहुत एक्सट्रीम हीट बेसिकली पाकिस्तान में आती है, हीट वेव जब आती है समर की, तो कोई भी हाइब्रिड गाड़ी इट कैन गो अराउंड 15-16, लेकिन 20+ इज़ द नॉर्म. इसके अंदर एक्सेप्शनल केसेस के अंदर कुछ क्लाइंट्स को 27-28 आया है, लेकिन अगर आप हल्का पाँव रख के चलाते हैं तो विद इन सिटी यू कैन ईजीली अटेन 25-26. और मैंने कई दफ़ा इसको ऑब्जर्व किया है विद इन 25-26 किलोमीटर जर्नीज जो हैं मैंने जो शॉर्ट ट्रिप्स की हैं विद इन लाहौर मैक्सिमम यानी कि 1 लीटर के अंदर, तो ईजीली ये इतना कर जाती है. तो ये इसकी फ्यूल एफिशिएंसी आपकी डिपेंड करती है कि आप कितना थ्रॉटल देते हैं. इसके अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, वो हम किसी और वीडियो में आपसे शेयर करेंगे. फ्यूल एफिशिएंसी का अगर आपका कंसर्न हो तो आप यू शुडंट इवन कंसिडर इट व्हेन यू आर बाइंग एन एक्वा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि ये बेस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार है, मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार है, बेस्ट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी. तो उसको तो आप कंसिडर करें ही ना, यू नो दिस कार हैज 100 out of 100 व्हेन इट कम्स टू फ्यूल एफिशिएंसी. जी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका इंटीरियर है, ये आप इसका ड्राइविंग सीट से लेग रूम चेक कर सकते हैं, और ये डैशबोर्ड आ गया, ये स्टीयरिंग आ गया. अब आपको पैसेंजर साइड से दिखाते हैं इसका लेग रूम, पैसेंजर सीट आ गई, डैशबोर्ड में देख लें कितना डिस्टेंस है. और जी, आप देख सकते हैं इसका पिछली सीट्स का लेग रूम, जैसा कि आपको अभी उमर भाई ने बताया था कि ये कार जो है 4 बंदों के लिए बेस्ट है, 2 आगे 2 पीछे. लाइक अगर तीसरा बंदा पीछे बिठाते हैं वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, 2 बंदे इजीली बैठ सकते हैं. जी, अब ये इसकी ट्रंक है, इसमें आप देख सकते हैं कि कम से कम इतनी जगह है कि अगर आप ट्रेवलिंग पे जाते हैं तो आप 1 या 2 बैग्स इजीली रख सकते हैं, बड़े साइज के, छोटे आप ज़्यादा रख सकते हैं. ठीक है, ये हमारा टेस्ट ड्राइव रिव्यू था टोयोटा एक्वा के बारे में. कीप लाइकिंग आवर पेज, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स फ्रॉम माय कार बिकॉज़ वी केयर. अस्सलाम वालेकुम.